बल्कि 2898 एडी का निर्देशन नाग अश्विन द्वारा किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता 2018 जीवनी नाटक महानती के निर्देशन के लिए जाने जाते हैं। प्रभास, जो अगली बार साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक कल्कि 2898 एडी में दिखाई देंगे, ने हाल ही में डेडलाइन के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि यह फिल्म अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए बनाई गई है। इंटरव्यू में प्रभास ने कहा, पूरी फिल्म अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए बनाई गई है, यही कारण है कि इसका बजट सबसे अधिक है और हमें देश के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिले हैं। उन्होंने आगे खुद को पैन इंडियन स्टार कहे जाने के बारे में बात की और कहा, हम पहली बार सुन रहे थे कि लोग मुझे पैन इंडियन कह रहे हैं। यह वास्तव में मुझे प्रभावित नहीं करता है, लेकिन यह सोचकर अच्छा लगता है कि आसपास के लोग अब मेरे जैसा देश। कल्कि 2898 एडी का निर्देशन नाग अश्विन द्वारा किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता 2018 जीवनी नाटक महानती के निर्देशन के लिए जाने जाते हैं। यह फिल्म दीपिका पादुकोण और प्रभास की पहली सहयोगी परियोजना है, जबकि अभिनेत्री और अमिताभ बच्चन इससे पहले 2015 की फिल्म पीकू में सहभिनय कर चुके हैं। वे हॉलीवुड फिल्म द इंटर्न के हिंदी रीमेक में भी साथ नजर आएंगे, जिसमें एनी हैथवे और रॉबर्ट डी नीरो थे। बॉलीवुड फिल्मों से संबंधित अधिक नवीनतम अपडेट के लिए भतीजा मूवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।